औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रॉन्सटेन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि उस कॉन्सेप्ट में जो है कुछ डिफेक्ट्स मौजूद है। इसी वजह से उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए जो है दो और साइंटिस्ट पेश आ गए। इनमें से एक का नाम था ब्रॉन्सटेन और दूसरा हमारे पास क्या है, लॉरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है सेपरेटली एक कॉन्सेप्ट पेश किया ताकि एसिड और बेस को जो है अच्छी तरह से डिफाइन कर सके। सो ब्रॉन्सटेन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के मुताबिक, एसिड हम किसे कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज़ जो दूसरों को एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर सके, प्रोटॉन दूसरों को डोनेट कर सके, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दूसरों को डोनेट कर सके, हर उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, HCl है। HCl में ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों को जो है H पॉजिटिव आयन डोनेट करे। इस H पॉजिटिव आयन या इस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम है प्रोटॉन। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसमें ये कैपेबिलिटी मौजूद हो कि वो दूसरों को H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन डोनेट कर सके, इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, HCl। HCl हैज़ द कैपेबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, देयरफॉर HCl इज़ एन एसिड। ठीक है, तो एसिड को ब्रॉन्सटेन एंड लॉरी ने किस तरह डिफाइन किया? इसके अकॉर्डिंग एनीथिंग That can donate proton is known as acid. हर वो चीज़ जो दूसरों को प्रोटोन डोनेट कर सके उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड जो है दूसरों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन दूसरों को क्या करता है, डोनेट करता है। इसी तरह अगर हम H2SO4 को देखें तो ये भी दूसरों को क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, HCl है, ये भी दूसरों को क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो हर वो चीज़ जो दूसरों को प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर सके उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, अब ये तो था एसिड हम किसे कहते हैं। अब ब्रॉन्सटेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है? हर वो चीज़ जो एच पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, एनीथिंग दैट कुड एक्सेप्ट प्रोटोन और एच पॉजिटिव आयन इज नोन एज बेस। हर वो चीज़ जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यानी प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सके, ले सके, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, H2O है। H2O जो है एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O पॉजिटिव बनाता है। क्योंकि H2O ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, तो ब्रॉन्सटेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O हमारे पास क्या है, बेस है। इसी तरह अगर हम अमोनिया को देखें यानी NH3 में भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सके, H पॉजिटिव आयन ले सके। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास NH3 है जिसे हम अमोनिया कहते हैं, इट इज़ अ बेस। क्यों बेस है? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अमोनिया जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन बनाता है, अमोनियम आयन बनाता है। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि हर वो चीज़ जो दूसरों को प्रोटॉन दे सके उनको हम कहते हैं एसिड, हर वो चीज़ दो दूसरों से प्रोटॉन ले सके उनको हम कहते हैं बेस। मिसाल मैंने आपको बेस का दिया था, हमारे पास क्या है, वाटर, अमोनिया वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये था ब्रॉन्सटेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस क्या है। ब्रॉन्सटेन एंड लॉरी ने जो है एक और चीज़ भी अपने इस कॉन्सेप्ट में
डिफाइन किया था, वो क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड। हर वो एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन, एक से ज्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दूसरों को डोनेट कर सके, उन एसिड को हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। एसिड्स दैट कैन डोनेट मोर देन वन प्रोटॉन, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। एसिड्स दैट कैन डोनेट मोर देन वन प्रोटॉन आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल क्या है पॉलीप्रोटिक एसिड का? पॉलीप्रोटिक एसिड का एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह हमारे पास क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों जो है पॉलीप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये तो पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने एक और चीज़ भी डिफाइन की थी, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस हम किसे कहते हैं? फर्स्ट कहें ये हमारे पास क्या है? HCl है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? H2O। आप सबको पता है HCl हमारे पास क्या है? एसिड। क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन दूसरों को डोनेट कर सकता है। H2O हमारे पास क्या है? बेस। क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा और क्लोराइड नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। तो आप देख लें, मैंने आपको जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि हर वो चीज़ जो आपस में रिएक्शन करता है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और उनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो नया मटेरियल प्रोड्यूस होता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर रहा है तो एसिड बेस हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। और ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस जो नया मटेरियल प्रोड्यूस होता है, नए मटेरियल को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो दीज टू आर प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला वो प्रोडक्ट जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड का निशानी क्या है? कि उनके ऊपर जो है कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उन प्रोडक्ट में से वो वाला प्रोडक्ट जो प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने की सलाहियत रखता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और उसकी निशानी क्या है? कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह एसिड और बेस के रिएक्शन के रिजल्ट में वो वाला प्रोडक्ट जो एसिड एंड बेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला वो प्रोडक्ट जो दूसरों से प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता हो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला वो प्रोडक्ट जो दूसरों को प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। एसिड एंड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला वो प्रोडक्ट जो दूसरों से एच पॉजिटिव आयन लेने की सलाहियत रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये था पॉलीप्रोटिक एसिड, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बारे में। ये कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इधर बेस इन दोनों के बाद जो है हमारे पास एक और पॉइंट भी है जिसको इन दोनों ने डिस्कस की थी, वो क्या है? वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो एसिड जो ज्यादा प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है उस एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड दैट कैन डोनेट मोर प्रोटॉन्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड जो कम प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन
डोनेट कर सके उसे हम कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड का मिसाल हमारे पास क्या है? सिट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मिसाल हमारे पास क्या है? HCl। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट ने जो है वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी डिस्कस की थी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो बेस जो ज्यादा प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस दैट कैन एक्सेप्ट मोर प्रोटॉन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और इसी तरह वो बेस जो कम प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है, आसानी प्रोटॉन नहीं ले सकता, उसे हम क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। बेस दैट कैन एक्सेप्ट लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मिसाल हमारे पास क्या है? H2O। वीक बेस का हमारे पास मिसाल क्या है? अमोनिया वगैरह। तो ये था आज की टॉपिक जिसमें हमने ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। थैंक यू।